आबादी से गुजरने वाला नाला जो कि बखर चुका है और आप देखिए चंद घंटों की बारिश हुई है। आज 27 तारीख बरोज 3/2020 की ये बारिश है जो कि सिर्फ कराची के मखसूस इलाकों में बारिश हुई है और हाल देखकर जो कि नाला बखर चुका है और इस वक्त तमाम आबादी के घरों के अंदर मुकम्मल पानी भर चुका है। नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है। भारत और चीन के बीच जो आंख मिचोली चल रही है वह तो अभी बहुत लंबी चलने वाली है, मगर मोदी सरकार है कि इमरान लोंडे का बंटाधार किए बिना नहीं मानेगी। पिछले एक हफ्ते से इमरान पर मोदी का यार से बात मोदी के रिश्तेदार तक पर आ गई है। हालत यह है कि भैंसों का तबेला चलाने वाला भी अब इमरान की नियत पर उंगली उठा रहा है। यानी सत्ता में आने से पहले जो इमरान खान नवाज शरीफ को मोदी का यार कहता था, अब उसी नवाज की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इमरान खान को मोदी का रिश्तेदार बता रही है। यानी कभी भैंसों के तबेले में इतना अड़कम नहीं देखा होगा जितना इन गदाश्रितों में आकार मचा है। कहने वाले तो यहां तक कहते हैं कि यह मोदी के डंडे का एक कमाल है जो जाधव के लिए पाक के असेंबली में ददेश तक लाया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि पर्दे के पीछे मोदी कोई ना कोई डंडा घसोड़ अभियान चला रहे हैं जिसमें केवल इमरान ही नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान पिस रहा है। अब मोदी ऐसा क्या गुल खिला रहे हैं जो पाकिस्तान भारत के दबाव में उसकी हर शर्त मानता जा रहा है। यह ठीक आज से एक साल पहले की घटना की याद दिलाता है जब पाकिस्तान भारत के विंग कमांडर को 48 घंटे भी कब्जे में नहीं रख पाया था। जो ये कहते हैं वे ये भी कहते हैं कि मोदी के पास कोई ना कोई त्रुप का इक्का जरूर है, अन्यथा पाकिस्तान जैसा धूर्त मदरसा छाप मुल्क इतनी आसानी से झुकने वाला नहीं है। मोदी जरूर इमरान की किसी कमजोर नस को दबाकर बैठे हैं, वरना अभी तक जाधव का पाकिस्तान में बचना मुश्किल था। पर लगता यूं है कि इस मुल्क की तैमन छाप जनता का विलाप भारत के हाथों ही होना है। भारत को अब इन मक्कार टोपीबाजों पर रहम नहीं आता है, बल्कि मोदी कुछ करने वाले हैं इससे पूरा पाकिस्तान सहम जाता है। बड़ी बात यह है कि पूरी गर्मी पानी की कमी से जूझे पाकिस्तान को भारत ने बकरईद से पहले ही भरपूर पानी देने की तैयारी कर ली है। पाकिस्तान ने कल भारत पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि भारत ने सतलज नदी से 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया है जिससे पाकिस्तान में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। पानी इतनी तेज गति और भारी मात्रा में आया कि पाकिस्तान के तारबेला बांध और डेरा इस्माइल खान तक 12 और 15 घंटे की बजाय वह 9 घंटे के अंदर पहुंच गया जिससे नदी के किनारे बसे गांव जलमग्न होने लगे हैं। यानी कल तक अल्लाह में एक दे पानी दे पुकारने वाला पाकिस्तान अल्लाह मोदी से बचाव की गुहार लगा रहा है। वैसे पाकिस्तान के लिए पानी भीख के कटोरे धोने के काम भी आने वाला है क्योंकि अब इस आपदा के नाम पर पाकिस्तान के लिए भीख के नए दरवाजे खुल जाएंगे। भारत द्वारा सोमवार शाम अलसी बांध से पानी छोड़ा गया है। अनुमान है कि 1,25,000 और 1,75,000 क्यूसेक पानी पंजाब जिले के गंडा सिंह गांव वाला में भारी उछाल मचा रहा है। पाकिस्तान का एक तिहाई प्रशासन 5 अगस्त की कश्मीर की बरसी भूलकर बाढ़ की तैयारियों में भागा फिर रहा है। पीडीएमए के महानिदेशक ने कहा है कि भारत द्वारा पानी छोड़े जाने से सिंधु नदी में बाढ़ की गंभीर स्थिति पैदा हो रही है। उन्होंने विभिन्न प्रांत उपायुक्तों को एक चेतावनी जारी करते हुए पत्र लिखा है कि सभी प्रांत के अधिकारी किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सिंधु नदी के पास निगरानी करें, साथ ही एहतियात के तौर पर नौकाएं और तैराक का इंतजाम करने को कहा गया है। हालत यह है कि पाकिस्तानी अपने मीडिया पर भड़ास निकाल रहे हैं जिसका निशाना इमरान लोंडा बन गया है। यानी यहां पर कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना लगाने का तैमन उतारू खेल हो रहा है। 5.8% की शराय तरक्की से 3% पे गिरने से 10 साल की सबसे ज्यादा महंगाई की शरा आ चुकी है। पाकिस्तान यकीनन बदला है कि जहां 1 करोड़ रोजगार दिया जाना था वहां इस साल में 10 लाख अफराद हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से बेरोजगार हो चुके हैं। 7,000 अरब का इजाफी कर्जा एक साल में पाकिस्तान के अवाम के गर्दन पे डाल दिया गया है लेकिन एक ईंट कहीं नहीं लगी। जब भारत ने देखा कि सवाए पाकिस्तान के वजीर आजम का भीख मांगने के कोई और काम नहीं तो उन्होंने समझा कि ये मुनासिब टाइम है कि हम ये गासबाना अमल। देखिए, सवाल इमरान की कार्यशैली का नहीं है। इस लोंडे ने जिस ग्लोबल लीडर से पंगा लिया है उसके मुकाबले का नेता पाकिस्तान की तो छोड़िए दुनिया में भी नहीं है।
शी जिनपिंग जो ट्रंप के सामने जेब में हाथ डालकर खड़े होते थे, आज गर्मी में भी तशरीफ के पीछे हाथ मसल रहे हैं। मोदी एक ऐसे नेता है जिन्होंने मातृ मोहम्मद से लेकर जिनपिंग एर्दोगन तक सबके नक चौबारे पर टांग दी। अब से 2 महीने पहले ही ये इमरान लोंडा बांग लगा रहा था कि भारत पानी नहीं दे रहा है, आज पानी दे दिया तो बोल रहे हैं क्यों दे दिया। बकरा ईद पर जिन बेजुबान जानवर का खून बहोगे वह पाप धुलना भी जरूरी है, इसलिए पाकिस्तान को बकरा ईद से पहले ही और भी पानी दिया जाना प्रस्तावित है। दरअसल मानसून की बारिश झेल रहे पाकिस्तान में पहले ही बाढ़ के हालात बने हुए हैं। भारत में भी कमोबेश यही स्थिति बनी हुई है। भारत के कई बांध ओवरफ्लो होने की ओर बढ़ रहे हैं, जिसके बाद भारत के द्वारा अतिरिक्त पानी छोड़ा जाना तय था। इसके बारे में पाकिस्तान को पहले ही सूचित कर दिया गया था, मगर पाकिस्तान का ध्यान अपने आवाम की बजाय चीन की चाटी वार्ता में लगा हुआ है। जिस फौज के कंधों पर बाढ़ से निपटने की जिम्मेदारी है वह LOC पर पतलून सिलाई के ठेके बांट रही है। ऐसे में पाकिस्तान में बाढ़ के हालात से आवाम को खुद ही जूझना पड़ रहा है। भारत ने अभी डैम के मात्र 3 ही गेट खोले हैं, पर बताया जाता है कि अगले 24 घंटे में डैम के 5 गेट खोल दिए जाएंगे। केवल 3 गेट खुलने से ही पाकिस्तान जाने वाली नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। अलसी डैम से छोड़े गए पानी से पंजाब प्रांत के 10% हिस्से पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इस प्राकृतिक आपदा के बाद तैमंद बाजों में आकार मचा है। ये लोग इस बात से भी सहमे हुए हैं कि अगर भारत ने और पानी छोड़ा तो हालात ज्यादा विनाशकारी हो सकते हैं। ऐसे में गधों की बजाय उन्हें अपनी कुर्बानी की फिक्र सताने लगी है। पर मामला यहां तक सीमित नहीं है। भारत से कूटनीतिक संबंध खत्म करने की इमरान की हठधर्मिता का खामियाजा आज पूरे पाकिस्तान को चुकाना पड़ रहा है। उसकी भारत विरोध की नीति आज उसे उम्मीद से अधिक भारी पड़ रही है। चश्मा बैराज से लेकर डेरा इस्माइल खान तक पाकिस्तान पानी पानी हो रहा है। खास बात यह है कि भारत की तरफ से और अधिक पानी छोड़े जाने के डर से पाकिस्तान के हाथ पांव फूल गए हैं। यदि भारत आज या कल में और अधिक पानी छोड़ता है तो पाकिस्तान के पंजाब का अधिकांश हिस्सा बाढ़ की चपेट में आ जाएगा। ऐसा बताया जा रहा है कि अलसी बांध ओवरफ्लो हो रहा है, इस वजह से ही ये पानी छोड़ा गया है। पर चौंकाने वाली बात यह है कि अभी भारत की तरफ से 10% पानी भी नहीं छोड़ा गया है, मगर इससे पहले ही हजारों एकड़ जमीन और सैकड़ों गांव उसकी जद में आ गए हैं। पाकिस्तान के तलवार पोस्ट पर 10,000 फीट पानी जमा हो गया है, जबकि कसूर में गंडा सिंह गांव में 7,400 फीट तक पानी पहुंच गया है। भारत ने लद्दाख डैम के 5 में से 3 गेट खोल दिए हैं, जिससे रिलीज हुए पानी ने पाकिस्तान में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। पाकिस्तान भारत से निरंतर पानी नहीं छोड़ने की गुहार लगा रहा है, लेकिन भारत यह जानबूझकर भी नहीं कर रहा है। भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही भारी बारिश के चलते अलसी जैसे डैम में भारी मात्रा में पानी एकत्रित हो चुका है। उसे रिलीज करने के अलावा भारत के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान को उतना ही पानी भेजा जा रहा है जो सिंधु नदी जल समझौते में तय हुआ था। इस पानी पर फिलहाल पाकिस्तान का ही अधिकार है। यह अलग बात है कि यह पानी 1988 की बाढ़ की याद ताजा कर सकता है, यानी 1988 में सिंधु और सतलज नदी ने जो रौद्र रूप दिखाया था इस बार उसकी पुनरावृत्ति हो सकती है। वैसे भी यह बकरा ईद का अच्छा अवसर है। बकरा ईद कुर्बानी का त्योहार माना जाता है, इसलिए बेजुबान जानवरों के साथ कुछ बकलोल भी इसकी भेंट चढ़ जाए तो त्योहार में 4 चांद लग सकते हैं। पर लगता यूं है कि खाज में मर्रम ढूंढ रहे इमरान लोंडे के पीछे मुसीबत लंगोट खस के पीछे पड़ी हुई है। 23 महीने के कार्यकाल में इमरान पाक के पहले PM बन चुके हैं, जिनकी सरकार सबसे ज्यादा पापड़ बेल रही है। उनकी एक मुसीबत खत्म होते ही दूसरी मुसीबत शुरू हो जाती है। लोग तो अब ये सवाल भी उठाने लगे हैं कि इमरान ने मोदी के दोबारा PM बनने का जो ऐलान किया था, इस लोंडे का मोदी से जरूर कोई ना कोई कनेक्शन है। वैसे भी पाकिस्तान की एकड़ी जितनी मोदी ने निकाली है, इतनी भारत की कोई दूसरा PM नहीं निकाल पाया, इसलिए पाकिस्तान सुधर जाएगा इसकी उम्मीद बेमानी है। इसलिए POK हासिल करो और पाकिस्तान के जख्मों पर नमक लपेटते रहो। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।